Okay, so we are live right now. Let me know in the comment section how many of you have joined. Tell me in the comment section how many of you have joined. Basically, we are going to cover current affairs. First of all, the news from 19th and 20th of December. And then we are going to discuss some of the MCQs there. ठीक है, तो यहाँ पर आई कैन सी अनुराग ज्वाइन कर चुके हैं, रिया इज हियर, सोशियो हब इज हियर, अवनीश भी ज्वाइन कर चुके हैं. सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माई नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच. आज के जो टॉपिक्स हैं वो दिखा देता हूँ पहले, तो जो हम देखने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं, और फिर एमसीक्यू के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं. सो आज के जो हमारे मेंस प्री का मेंस के टॉपिक्स रहेंगे उसमें गोवा लिबरेशन डे आज काफी न्यूज में था, इसको लेकर डिस्कशन करने वाले हैं. और दूसरा जो हमारा डिस्कशन होगा वो जेसीबी के बारे में होगा. ठीक है, तो जेसीपी ने जो रिकमेंडेशन दी अपनी डेटा बिल के ऊपर उसको देखेंगे. यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और डब्ल्यूटीओ के पैनल की कुछ यहाँ पर शुगर रिलेटेड रिपोर्ट आई इंडिया के अगेंस्ट में, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले. तो ये तीन इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी. लेकिन हाँ, जो एमसीक्यूज हैं जो कि टोटली आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हैं, वो भी मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूँ जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो जया जेटली कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, दो क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे. देन डिजिटल मीडिया को लेकर डिस्कशन करेंगे, प्रिविलेज मोशन के ऊपर डिस्कशन रहेगा हमारा. एक बर्ड सेंचुरी को लेकर मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, PRLIS क्या है ये जानेंगे. एनजीटी कृष्णा रिवर को लेकर दो क्वेश्चन हमारे अलग अलग रहेंगे, सुपर साइक्लोन को लेकर फिर क्वेश्चन रहेगा, और फाइनली एनटीसीए का डेटा आया है उसको लेकर डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए शुरुआत करते हैं अपनी प्री का मेंस के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके साथ. पहला टॉपिक है गोवा लिबरेशन डे एंड प्राइम मिनिस्टर ने जो यहां पर विजिट किया है. ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू गोवा लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए. रणविजय ने ज्वाइन किया अभी अभी, गुड इवनिंग, बताइए गोवा लिबरेशन डे की डेट क्या है. सो डिसंबर 19, मतलब जो आज का दिन है, इट इज कंसिडर्ड एज गोवा लिबरेशन. बेसिकली इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है गोवा लिबरेशन डे के तौर पर. क्यों, अब हम अलग से गोवा लिबरेशन डे की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप में से जिन लोगों ने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा उनको ये चीज पता होगी कि देखिए इंडिपेंडेंस तो हमें 1947 में ही मिल गई थी. ठीक है, इंडिपेंडेंस हमें 1947 के अंदर ही मिल गई थी, लेकिन गोवा को आजादी 1947 में नहीं मिली थी. गोवा के ऊपर कौन रूल कर रहा था बताइए, पोर्टुगीज जो थे. पोर्टुगीज के बारे में कहा जाता है देवर द फर्स्ट टू कम, देवर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव. इंडिया के अंदर सबसे पहले आने वाली यूरोपियन पावर कौन सी थी, पोर्टुगीज थे, सबसे पहले वही आए थे. लास्ट टू लीव उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इवन अंग्रेज भी चले गए भारत से लेकिन पोर्टुगीज फिर भी नहीं गए, गोवा के अंदर रुके हुए थे. देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो गोवा में गए, 60th लिबरेशन डे जो था गोवा का वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है बैंक्स ऑफ मंडोवी रिवर पणजी के अंदर. ठीक है, और यहाँ पे 300 करोड़ का जो ग्रांट है वो भी सेंटर ने अनाउंस किया है. कंट्री का सबसे छोटा स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट माना जाता है. सेलिब्रेशंस जो है ये एक्सपेक्टेड थे ही, और अभी भी यहाँ पर इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो यहाँ पर इस डायमेंशन को भी कंसिडर करके जो सेलिब्रेशन है वो करे गए हैं. गोवा एट द रेट 60 जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है. लेकिन हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री इस पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर. नाउ गोवा जो है इसे पोर्टुगीज के द्वारा रूल किया गया 450 से भी ज्यादा साल तक, क्योंकि जब आपको याद होगा जब पोर्टुगीज आए तो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा वेस्टर्न कोस्ट. अगर ये इंडियन पेनिनसुला है तो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना शुरू किया. ठीक है, बाद में जब अंग्रेजों ने डोमिनेशन करना शुरू किया तो पोर्टुगीज पावर धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई. 1947 के अंदर इंडिया को आजादी तो मिल गई, लेकिन 1947 के भी 14 साल के बाद तक जो पोर्टुगीज थे उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा. अब यहां पर उनको इंडिया छोड़ाने के लिए बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी करे गए, लेकिन फाइनली होता क्या है, फाइनली आपको दिखाई देगा कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उन्होंने यहां पर क्या किया, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को भेजा इस कोस्टल स्टेट के अंदर और पोर्टुगीज को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया. और वो दिन कौन सा था, दिसंबर 19, 1961. और अभी इस चीज को 60 साल हो गए हैं, इसी वजह से गोवा एट द रेट 60 जो है वो यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है. देखिए 1510 के अंदर
यहाँ पर पोर्टुगीज आते हैं, तभी कहा कि यहाँ पर कितने साल हो गए, ठीक है, 1940s के अंदर गोवा इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू होता है और अक्टूबर टू नवंबर 1946 के अंदर काफी सारे सत्याग्रह यहाँ पर कराए जाते हैं। आजादी के बाद भी 1950 में आप देखेंगे आजाद गोमंतक दल एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है वो यहाँ पर पोर्टुगीज को निकालने के लिए लड़ाई शुरू करता है, लेकिन इनको निकालते निकालते 1961 हो जाती है, और वो भी किस वजह से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे उनके द्वारा एफर्ट्स लिए गए तभी यहाँ पर जो गोवा है इसको खाली कराया जा सका। अब ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया गया था इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेशन विजय के बारे में अगर आपसे पूछूं, आप लोगों ने वैसे करेक्ट आंसर दिया मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, आई कैन सी किरण आपका आंसर, प्रतीक्षा का आंसर, शिव प्रकाश करेक्ट है, माधवी का भी आंसर करेक्ट है, रोहित रंजन ज्वाइन कर चुके हैं। ये बताएं यहां पर ऑपरेशन विजय के अंदर हमने अपनी कौन कौन सी फोर्सेस को शामिल किया होगा, बताएं यहां पर, मतलब पोर्टुगीज को जब हम निकाल रहे हैं भारत से तो उसके लिए किन किन फोर्सेस की जरूरत पड़ी होगी, बताइए ऑपरेशन विजय। सो यहां पर आर्मी एडवांस इनटू गोवा फ्रॉम द नॉर्थ एंड द ईस्ट, ठीक है, इंडियन फोर्सेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि अगर आप लोकेशन देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपका कोस्टल स्टेट है तो यहां पर नेवी की भी जरूरत पड़ी और लैंड वाली साइड से आर्मी की भी जरूरत पड़ी और एयर रूट से जो आपकी एयर फोर्स है उसने भी यहां पर बॉम्बिंग करी, ठीक है, ताकि पोर्टुगीज को यहां से निकाला जा सके। तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई यहां पर और इस एरिया को खाली कराया गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1961 पोर्टुगीज के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था जनरल वसैलो डे सिल्वा, क्या नाम था, वसैलो डे सिल्वा, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया कि भाई मैं सरेंडर करता हूं, अब आप अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स को पीछे बुला लीजिए, ठीक है, और यहां से वापस जाने का फैसला जो था वो भी पोर्टुगीज ने इसके साथ कर लिया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ यहां से आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे ऑपरेशन विजय जो था ये तो सक्सेसफुल हो गया, मतलब यहां से हमने सरेंडर करा दिया किसको, पोर्टुगीज को, लेकिन अब किया क्या जाए, जो हमारे पास एक नई टेरिटरी आई है तो क्या इस टेरिटरी को स्टेट बना दिया गया, क्या इस टेरिटरी को एज इट इज रखा गया, व्हाट डू यू थिंक, माधवी एंड शिव प्रकाश आपका आंसर वैसे नेम को लेकर करेक्ट है। देखिए शुरू में जब ये टेरिटरी आई इसको यूटी रखा गया, इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दीव, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ आवाजें उठने लगी कि इसको महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन डिसीजन जो था गवर्नमेंट ने यूनिलेटरली नहीं लिया, यहां पर प्लेबिसाइट कराया गया, ठीक है, प्लेबिसाइट कराया गया, लोगों से पूछा गया और लोगों ने कहा कि नहीं हमें मर्ज नहीं होना है महाराष्ट्र के साथ, हम अपनी आइडेंटिटी जो है उसको एज इट इज मेंटेन करके रखेंगे, और इसी वजह से क्या किया गया, इसको एज इट इज यूटी रहने दिया गया और 20 साल के बाद 1987 में इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा होता है, स्टेटहुड की जो बात होती है वो इसको दी गई, जिसकी मांग दिल्ली भी करता रहता है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ 60 ईयर सेलिब्रेशन, तो इसके अंदर क्या क्या किया जा रहा है, तो वो वैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए जो हमारी हिस्ट्री थी ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसने आज ही इनॉग्रेट किया इसे, और यहाँ पे बोथ नॉर्थ और साउथ गोवा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पर जो एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसको ओपन करने की बात करी जा रही है, साथ ही साथ कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी इनॉग्रेट करने की बात करी जा रही है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करी गई हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जेसीपी प्रिस्क्रिप्शन फॉर डेटा बिल। जेसीपी की फुल फॉर्म क्या है, आप ये न्यूज में सुन रहे होंगे आजकल, बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीपी बताएं, नेहा ज्वाइन कर चुके हैं, जायदा अख्तर ने यूटी लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है, थैंक यू नेहा। सोनू मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं, सुमित ने 56th अमेंडमेंट लिखा है, ओके। यहां पर जेसीपी की फुल फॉर्म बताइएगा, दिस इज जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। नाउ जॉइंट कमेटी ऑन पार्लियामेंट जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर बनाई गई थी, और इन्होंने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर अपनी जो रिपोर्ट है उसे रख दिया है, ठीक है। सो बेसिकली पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर जो इन्होंने रिपोर्ट थी वो दे दी है, और अब हम वही चीजें देखने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर बताया गया। देखिए आफ्टर 78 सिटिंग्स जो कि 184 घंटों तक चली, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल उन्होंने अभी एक दो दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट को रखा है और उसमें कहा है कि सोशल मीडिया कंपनीज दैट डू नॉट एक्ट एज इंटरमीडियरीज आर टू बी ट्रीटेड कंटेंट पब्लिशर्स। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, जो इंटरमीडियरीज होती थी ना कंपनीज आपकी, उनको कहा जाता था, अगर आपको याद हो कुछ महीने पहले ही, रादर कहा जाए तो कुछ दिन पहले, जो गवर्नमेंट है उनकी ट्विटर के साथ बहुत तनातनी चल रही थी, ठीक है, और तब कहा गया था कि चाहे ट्विटर हो फेसबुक हो, ये लोग कंप्लाई नहीं करते, हम इनको कहते हैं कंटेंट हटाइए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से, बट दे डोंट इवन कंप्लाई, वो कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कहा गया कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंटरमीडियरीज है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी अगर कोई भी गलत कॉन्टेंट इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है। लेकिन यहां पर जो शब्द यूज किया गया उसको ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा है That do not act as intermediaries। ये सबसे बड़ा confusion का point बन रहा है, इसको भी हम discuss करेंगे आगे। लेकिन अभी जो अभी तक तो intermediaries को रखा गया था कि इनकी responsibility होगी, क्योंकि ये लोग जो है decide करते हैं कि कौन सा content इनके platform के ऊपर रहेगा कौन सा नहीं। तो मान लीजिए अगर माधवी कुमारी को भी Facebook पे कुछ publish करना है या अनुराग को Twitter पे कुछ publish करना है, तो final authority किसके पास है? Final authority उसी platform के मालिक के पास है, intermediary के पास है, कि वो आपका platform के ऊपर वो content रहने दे या ना रहने दे। For example शमन ने मान लीजिए YouTube के ऊपर कुछ publish किया, और अगर YouTube को लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो वो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो final authority किसके पास होती है? Intermediary के पास। लेकिन अभी जो not acting as intermediary, उनको भी यहां पर publisher माना है, वही हम देखेंगे। Now This means they become liable for the content they host। तो यहाँ पर जो non intermediaries हैं, उनको भी कहा गया है कि वो भी responsible यहाँ पर रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले ये बात भी करी गई थी कि जब हम personal data protection की बात करें, तो personal के साथ साथ non personal क्यों नहीं लेना चाहिए? ठीक है, personal non personal में difference क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पुराने lectures के अंदर, तो please देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर जो कमेटी है उसने कहा कि देखो personal non personal data जो होता है ना, उसको separate करना कई बार मुश्किल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि personal data कौन सा है, non personal data कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर दोनों तरीके के डेटा जो है उसको लेकर चलना चाहिए। काफी सारी रेकमेंडेशन यहां पर दी गई है और काफी सारे एक्शंस लेने की बात करी गई है। देखते हैं, एक तो कहा है कि नॉन पर्सनल टू की रेकमेंडेशन यही है कि इंक्लूजन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा जो है वो भी हमें क्या करना चाहिए, उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। और उसके लिए रीजन क्या दिया है, क्योंकि कई बार पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्या मुझे वैसे कोई बता सकता है, जो लास्ट जो हमने टॉपिक्स करे थे वहां पे मैंने आपको डिफरेंस बताया था पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा के अंदर, काफी ब्रीफ सा है। मांगीलाल ने करेक्ट आंसर किया है, जायदा अख्तर इज आल्सो करेक्ट, माधवी कुमारी ने इंटरमीडिएट्स लिखा है, बताइएगा अगर आपको पता है इसके बारे में। तो नाउ इस पूरी चीज का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट ऑल द इश्यूज जो नए लेजिस्लेशन में आएंगे उसके लिए एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो भी रहेगी, जो इन सभी चीजों से डील करेगी। ठीक है, तो यहां पर एक ही जब हम बात करते हैं कि नॉन पर्सनल डेटा भी होगा, तो डीपीए जो होगा दैट इज डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो इसके अंदर बनाई जाएगी, वो किससे डील करेगी, वो पर्सनल डेटा से भी डील करेगी, नॉन पर्सनल डेटा से भी डील करेगी। ठीक है, नाउ यहां पर ट्रांजिशनल पीरियड की बात करिए, और साथ ही साथ कहा है कि जो एग्रीगेटर्स है यहां पर, मतलब जो आपको वेरियस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जो ये नई नई चीजें लेकर आई जा रही है, रिकमेंडेशंस लेकर आई जा रही है, उनको अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाएगा ताकि वो इनसे कंप्लाई कर सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहां पर लेकर आए उनको कहा कि 24 घंटे में आप इसे कंप्लाई करें, एक अच्छा खासा टाइम उनको यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया, देखिए बहुत बार क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, आप जैसे उसे डालते हैं ना, इमीडिएटली दे से कि हमें आपकी गैलरी को एक्सेस करने की परमिशन चाहिए, जबकि उस ऐप का कोई लेना देना नहीं होता आपकी गैलरी से। ठीक है, बहुत सारी एप्स आपने भी देखा होगा, अगर ऐसे आपके साथ हुए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस करके बताइएगा कि वो आपसे कॉन्टैक्ट रिलेटेड एक्सेस मांगती है, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं होता एक्सेस के साथ। बहुत सारी एप्लीकेशन आपसे आपकी लोकेशन, लाइव लोकेशन का एक्सेस मांगती है, चाहे वो एप्लीकेशन यूज हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन उसका कोई भी लोकेशन से लेना देना नहीं होता। होता क्या है कि ये एप्लीकेशन आपकी गैलरी को एक्सेस कर लेती है, ठीक है, आपकी फोटोज के ऊपर पूरा एक्सेस हो जाता है इनका, आपकी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन ये गैदर कर लेती है, आपकी लोकेशन की पल पल की जानकारी ये गैदर करती रहती है। लेकिन हमने तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए एक्सेस दिया ना, प्रॉब्लम क्या होता है कि जब डेटा ब्रीच होता है, मान लीजिए देयर इज एन एप्लीकेशन एबीसी विदाउट टेकिंग एनी नेम, उन्होंने आपकी गैलरी की परमिशन मांगी आपने दे दी, आपकी कॉन्टैक्ट की मांगी आपने दे दी, आपके लोकेशन की मांगी आपने दे दी, क्या आपने इस एप्लीकेशन को यह भी परमिशन दी कि आप चाहें तो इस डेटा को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दे? नहीं। क्या आपने इनको, डेटा गलती से चोरी हो जाता है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसकी परमिशन दी? नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि हम डेटा एक्सेस करने की परमिशन तो देते हैं, लेकिन जब डेटा ब्रीच होता है, ये जो कंपनी एबीसी है, जब ये आपका डेटा इकट्ठा कर रही है, आगे जाके डेटा ब्रीच होता है,
तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, क्योंकि यहां पर ये कहते हैं कि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, तो जब तक कस्टमर का डेटा आपने लेना है, वहां तो हमें समझ में आता है कि ठीक है आप अननेसेसरी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कस्टमर को भी आपकी एप्लीकेशन को यूज करना है, तो वो बेचारा भी क्या कर रहा है, आपको सारी परमिशन देता जा रहा है। लेकिन जब डेटा ब्रीच होता है तो आपकी लाइबिलिटी बने, उस चीज को लेकर भी इस बिल के अंदर बात करी है, ताकि ये कंपनीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और लाइबिलिटी से भाग ना पाए। ठीक है, नाउ सोशल मीडिया लाइबिलिटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बताई दिए मैंने आपको, दे डू नॉट एक्ट एज इंटरमीडियरी, उनको भी इसमें इंक्लूड करने की बात करी गई है। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है कि अभी तक तो इंटरमीडियरी की बात करते थे, अब ये डू नॉट एक्ट एज इंटरमीडियरी की बात भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका ये मतलब निकल के आ सकता है। हालांकि पक्की बात तो तभी पता चलेगी जब ये बिल आएगा कि इसके अंदर हो सकता है वो जो इंटरमीडियरीज हैं उनको वो इंटरमीडियरी का स्टेटस जो है वो हटाकर नॉन इंटरमीडियरी कर दिया जाए। खैर, पेनल्टी कितनी रहने वाली है यहाँ पर, अगर इस तरीके का डेटा ब्रीच होता है, मतलब कोई भी ऐप या कोई भी कंपनी आपका डेटा लेती है और उसके बाद वो डेटा ब्रीच हो जाता है, तो 15 करोड़ या फिर 4% ऑफ टोटल ग्लोबल टर्नओवर जो है वो इसके अंदर उनको पे करना पड़ सकता है। और खास तौर पे यहां पर अगर इस तरीके का कोई ब्रीच होता है तो यहां पर डीपीए जो हमने अथॉरिटी बनाई है डेटा को लेकर, उनको भी यहां पर इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है जेसीपी के द्वारा कंसीडर करी गई और जेसीपी के द्वारा दी गई, ताकि डेटा ब्रीचेस जो होती है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार आप जो भी चीज देख रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वही चीजों की एडवर्टीजमेंट्स आपके पास आती हैं, और कई बार जो चीजें आप सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत जल्दी खरीदने वाला, कोई कार हो सकती है, कोई बाइक हो सकती है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई वॉच हो सकती है, उसी चीजों को लेकर जो डेटा है, उसी चीजों को लेकर जो आइटम्स है, उसी चीजों को लेकर जो पर्सनलाइज एड्स होती हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती हैं। और यहां पर भी क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है विदाउट योर कंसेंट जो है उसे शेयर किया जाता है। ठीक है, नाउ कहा जा रहा है व्हाट नाउ आफ्टर द टेबलिंग इन पार्लियामेंट, तो यहां पे क्या किया जाएगा, देखिए कहा जा रहा है कि पहले तो यहां पर बिल को लेकर आया जाएगा, लोकसभा अगर इसे पास कर देती है और राज्यसभा अगर नहीं करती है या फिर अमेंडमेंट की मांग करती है, तो यहां पर जॉइंट सीटिंग का एक प्रोविजन रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब जॉइंट सीटिंग होगी, वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी लोकसभा राज्यसभा मिलकर उसे दूर करेंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन इसके अलावा मान लीजिए दोनों ही इसको पास कर देते हैं, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो बताइए बिल का क्या होता है, या फिर जॉइंट सीटिंग के अंदर अगर दोनों ने पास कर दिया तो क्या होगा बताएं। भरत ने करेक्ट आंसर किया है, सोशियो हब भी यस कह रहे हैं, ठीक है बताइए तो क्या होगा, लोकसभा क्लियर्स द बिल और राज्यसभा ने भी कर दिया तो किसके पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बिल्कुल सही सुमित ने और रुचिता ने आंसर किया, तो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और वहां पर जाकर जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं तो वो क्या बनेगा, लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी इज फॉर्म्ड व्हेन मोशंस इज अडॉप्टेड बाय वन हाउस एंड इट इज सपोर्टेड और अग्रीड बाय अदर हाउस। तो यहां पर दोनों हाउसेज ने मिलकर जेसीपी को बनाया था, किसके ऊपर, डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, क्योंकि डेटा ब्रीचेस और डेटा को लेकर प्रॉब्लम हमें 2020-2021 में काफी ज्यादा देखने को मिले, खासतौर पे कोविड के टाइम पर। अनदर वे टू फॉर्म अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जेपीसी है वो कैसे बनती है, क्योंकि इससे पहले ज्यादा इसके बारे में सुनने को नहीं मिला है। तो जेपीसी को एक तरीका तो बनाने का ये होता है, ठीक है, मोशन अडॉप्ट किया जाता है वन हाउस के द्वारा एंड इट इज सपोर्टेड और अग्रीड बाय द अदर हाउस। लोकसभा ने मान लीजिए अडॉप्ट किया, राज्यसभा ने उसे क्या किया, सपोर्ट कर दिया, जेसीपी बन जाएगी। अनदर वे टू फॉर्म अ जेपीसी इज दैट टू प्रिसाइडिंग चीफ्स ऑफ बोथ हाउसेस कैन राइट टू ईच अदर। ठीक है, दो प्रिसाइडिंग चीफ दोनों हाउसेस के कौन होंगे बताइए, स्पीकर और चेयरमैन जो है वो एक दूसरे को लिख कर देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हमें इस तरीके की जेपीसी की जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दो तरीके हैं यहां पर बनाने के और प्रीलिम्स के अंदर आने के चांसेस काफी ज्यादा है इस चीज के। ठीक है, वैसे हमारे पास 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, ये आपके इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर दिया हुआ है। ईच ऑफ दिस कमिटीज के अंदर 31 मेंबर होते हैं, इसमें 21 कहां से होते हैं, लोकसभा से, ध्यान रखिएगा, और 10 कहां से होते हैं, राज्यसभा से। ठीक है, ये जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर ये जो होंगे इनको लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं और इन 10 को राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। डीआरएससी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज जेसीपी आपकी काफी न्यूज में थी। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में भी बता दिया मैंने, जिनको टाइमली बताना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके का ब्रीच होता है, क्योंकि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी वायलेशंस हैं, यही कमेटी उसको मैनेज करने वाली है, इन्वेस्टिगेट करने वाली, जो कि इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी के तौर पर काम करेगी। ठीक है, दैट्स वाई इनको इन्फॉर्मेशन देना काफी जरूरी है। और खासतौर पर यह भी बताया गया
कि जहां पर बच्चों से रिलेटेड डेटा, चिल्ड्रन रिलेटेड डेटा का ब्रीच हुआ है, वहां तो आपको इनको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चलिए जब यहाँ पर बिल पास होगा तब देखेंगे इसके बारे में और भी चीजें कि फाइनल मसौदे के अंदर यहां पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। नाउ लेट्स मूव टू आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। हाउ टू रीड द डब्ल्यूटीओ पैनल शुगर रिपोर्ट अगेंस्ट इंडिया। वैसे इसके बारे में जानकारी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है इनकी एक कमेटी है, ठीक है, जिस बेसिकली बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इसको कहा जाता है, डीएसपी। 2019 में उनके पास एक रिपोर्ट गई और इस रिपोर्ट को भेजने वाली या इस कंप्लेन को भेजने वाली तीन कंट्रीज थी, जिसमें ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और गोतेमाला शामिल थी। तो यहां पर बीएजी करके याद कर लीजिएगा, बैग, बी से क्या, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, गोतेमाला। इन्होंने कंप्लेन किया कि देखो जो इंडिया है वो अपने शुगर सेक्टर को काफी ज्यादा डोमेस्टिक सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है, ये मेजर्स भारत के द्वारा लिए जा रहे हैं जो कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स का उल्लंघन करते हैं, विच बेसिकली वायलेट द डब्ल्यूटीओ रूल्स। ठीक है, 2019 में ये कंप्लेन करी गई थी। तो यहां पर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बैठी है, इंडिया को यहां पर देखा गया कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये पाएगा कि यस ऐसी चीजें करी जा रही है। हालांकि इंडिया जो है इस चीज से अग्री नहीं करते, हमने अपना जो रिप्लाई है वो भी इसके अंदर दिया है और हमने ये भी कहा है कि हम यहां पर इस केस को बेसिकली आगे लड़ेंगे। अब ये जो डीएसबी थी, इन्होंने कहा कि देखो हमने सब चेक किया, कंप्लेन आई हमारे पास, हमने देखा तो ये पाया गया कि यस इंडिया के अंदर जो अननेसेसरी या एक्स्ट्रा सब्सिडी जो है वो यहां पर दी जा रही है, और इसी वजह से कहा गया कि 120 दिन का टाइम देते हैं भारत को कि वो ये जो एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं इसको हटा ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। अब देखते हैं यहां पर हाउ डिड द डब्ल्यूटीओ प्रोसेस अनफोल्ड। जुलाई 11, 2019 को ये कंप्लेन करी गई थी। कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया कि हमें कंसल्टेशन करनी है भारत से, कि पहले हम खुद बात करके देखते हैं, लेकिन उन बात का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब बात नहीं बनी। वहां पे जो भी इश्यू था उसे हम रिजोल्व नहीं कर पाए, रेजोल्यूशन जो करना था वो फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो बात थी आगे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास गई और वहां पर जो चीजें थी वो हमारे अगेंस्ट में निकल कर आई। ठीक है, जो तीनों कंट्रीज थी उन्होंने कंप्लेन किया, इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक सपोर्ट टू शुगर केन प्रोड्यूसर्स, जो कि डी मिनिमिस लेवल, देखिए डी मिनिमिस लेवल होता है जिसमें अलाउ होता है कि 10% तक आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहा गया कि ये जो डी मिनिमिस लेवल, मतलब एक जो आपको दिया गया है कि इतने परसेंट तक आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड जा रहा है। ठीक है, कैन यू लाइक फिगर इट आउट, आपको कहा कि आप 10% तक का सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा दे रहे हैं तो वहां पर फिर क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी जो है शुरू हो जाती है, और कहा जाता है कि जो डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उससे यह इनकंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक है, इंडियाज एलेज्ड एक्सपोर्ट सब्सिडीज, सब्सिडी अंडर द प्रोडक्शन असिस्टेंस, बफर स्टॉक के ऊपर, ये सारी चीजें जो है आपका डी मिनिमिस लेवल जो है उसको वायलेट कर रही है, ऐसा इन तीनों कंट्रीज का कहना है। ठीक है, अब इंडिया का जवाब भी देखेंगे वैसे, लेकिन हाँ क्वेश्चन स्टैटिक में से अगर बन के आएगा तो यहां पर पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है। वैसे मैंने आपको यहां पर मैप से समझाया है, और मैप से क्या होता है आपकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी क्रिएट हो जाती है अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे 2017-18 का डेटा दिया है, पहले नंबर पे आपका यूपी है, पहले तीन आपको याद होने चाहिए, दूसरा आपका महाराष्ट्र आ जाता है और तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ आते हैं व्हाट डिड इंडिया टेल द डब्ल्यूटीओ पैनल। तो हमारा यहां पर जवाब क्या रहता है, वैसे तो बता चुका हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो कंप्लेन हमारे अगेंस्ट में करी गई, हम समझते हैं, लेकिन कंप्लेन में कोई दम नहीं है, वो कुछ ज्यादा प्रूव कर नहीं पाए, और वैसे भी जो ये पैसा दिया जा रहा है वो हम नहीं दे रहे, मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर नहीं कर रही है, ये तो जो प्राइवेट पार्टीज है वो प्रोक्योर कर रही है और वो यहां पर सपोर्ट दे रही है। लेकिन पैनल कहता है कि देखिए सपोर्ट आप करें या फिर आपके यहां पर प्राइवेट शुगर को जो, या फिर शुगर केन को जो एक्वायर कर रहे हैं वो लोग करें, बात एक ही होती है, इन टेक्निकलिटी से आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑन द कंप्लेन रिगार्डिंग इंडियाज डोमेस्टिक सपोर्ट टू शुगर केन प्रोड्यूसर, पैनल ने यह पाया कि 5 कंसेक्यूटिव शुगर सीजन 2014 से 15 से 18 से 19 इंडिया प्रोवाइडेड नॉन एग्जम्प्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक डोमेस्टिक सपोर्ट टू शुगर केन प्रोड्यूसर, जो कि एक्सेस था किससे, डी मिनिमिस लेवल। ध्यान रखिए मैं बार बार डी मिनिमिस बोल रहा हूं ताकि एग्जाम में ये चीज आपको याद रहे, पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जो 10% की लिमिट थी उसको यहां पर वायलेट किया, दैट्स व्हाई इंडिया को यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन इंडिया ने क्या आर्ग्यू किया है कि हम लोग जो है यहां पर खुद नहीं परचेज कर रहे हैं, यहां पर जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो इसके अंदर पेमेंट कर रहे हैं। हालांकि इस तर्क को एक्सेप्ट अभी तक तो नहीं किया गया, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। ठीक है, और यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा 120 दिन का टाइम जो है, मतलब 4 महीने का टाइम जो है वो इंडिया को दिया है कि आप इस चीज को ठीक कर लीजिए। नाउ चलते हैं यहां पर
ये तो इंडिया ने क्रिटिसाइज किया कि जो भी उनकी वर्डिक्ट है दैट इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, और इस इशू के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। लॉजिक और रैशनल जो है ये इस वर्डिक्ट के अंदर हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा इंडिया का कहना है। मिनिस्ट्री सेड देयर वुड बी नो इंपैक्ट ऑन एनी ऑफ इंडियाज एग्जिस्टिंग एंड ऑनगोइंग पॉलिसी मेजर, जो भी चीजें हमारे यहाँ पे चल रही है एज इट इज चलती रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। नाउ क्योंकि हमने WTO को लेकर बात करी है तो WTO के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था, हेडक्वार्टर कहां पर है, जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर WTO के बारे में पूछूं, इज इट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आंसर करिए, इज इट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इज इट एन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कौन से अग्रीमेंट के थ्रू इसे बनाया गया था, बताइए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहले गैट हुआ करता था, आप में से एटलीस्ट कुछ लोग जानते होंगे इस चीज को, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था, उसे हटाकर WTO को बनाया गया था, और ये था मराकेश अग्रीमेंट के बाद इसे लेकर आया गया था, ठीक है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रोहित शिव माधवी किरण आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। खैर यहां पर हमारी न्यूज तो हो जाती है कंप्लीट, अब रह गए हमारे MCQs, लेकिन हाँ MCQs में टारगेट सेट करेंगे, उससे पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपने 10 MCQs के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर आपका स्कोर आएगा तो कितना, अगर आज आपका एग्जाम होता तो कितना उसके अंदर स्कोर आता, कितना परसेंटेज रहता। चलिए गोवा के बारे में जल्दी से मुझे बताएं, कौन सा मिशन यहां पर या फिर कौन सा ऑपरेशन किया गया था गोवा को आजाद कराने के लिए, लिबरेट कराने के लिए, जब हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स ने यहां पर जो पुर्तगाली थे उनको भारत से बाहर निकाला था। द पोर्टुगीज वर डिफीटेड बाय यू कैन से कंबाइंड एफर्ट ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, क्या नाम था, शमन ने करेक्ट आंसर किया है, सोनू मिश्रा भी करेक्ट है, ऑपरेशन विजय याद रखिएगा, और 1961 उसको मत भूलिएगा, ठीक है। और यहां पर कब आए पोर्टुगीज, दे वर द फर्स्ट टू कम लास्ट टू लीव, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये पूरी टाइमलाइन जो है ये भी याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था, बताइए, ऑपरेशन विजय चलाया गया था तो यहां पर नेहरू जी was heading the country, ध्यान रखिएगा ये चीज भी। देन हमने यहां से आगे बढ़ते हुए देखा किसमें गोवा को एड करने की बात करी गई थी, कौन से राज्य के अंदर इन्हें मर्ज करने की बात करी जा रही थी, लेकिन किया नहीं गया, इनको एज इट इज यूटी रहने दिया जाता है और बाद में जाकर इनको पूरे राष्ट्र का, पूरे राज्य का जो दर्जा होता है वो भी दे दिया जाता है। सो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। वैसे आबिद ने करेक्ट आंसर किया है, रोहित का आंसर करेक्ट है, और अनुराग ने भी, प्रतीक्षा ने भी, जायदा अख्तर ने करेक्ट आंसर किया, ठीक है। फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए जेसीपी के बारे में डिस्कशन किया, जल्दी से बताएं जेसीपी की फुल फॉर्म, और जेसीपी को दो तरीके होते हैं बनाने के, कौन कौन से दो तरीके होते हैं जेसीपी के बनाने के, बताइए। यहां पर इनकी रिकमेंडेशन तो आपको याद हो गई होगी अभी कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी है, यहां पर पर्सनल डेटा नॉन पर्सनल डेटा दोनों को इंक्लूड करने की बात करी गई है, यहां पर एक अथॉरिटी बनाने की बात करी गई है, जो पीनल प्रोविजन है वो भी डाले गए हैं, यहां पर नॉन इंटरमीडियरीज को भी पब्लिशर बनाने की बात करी गई है, पेनल्टी तो यहाँ पे दी गई है, ज्वाइंट कमेटी ऑन पार्लियामेंट, ठीक है रोहित, यहाँ पे तनवीर ने करेक्ट आंसर किया है, शिखा ने भी करेक्ट आंसर किया है, आबिद भारत दोनों करेक्ट है। दो तरीके बताइए, या तो दोनों हेड जो है आपके हाउसेस के वो एक दूसरे से बात करके बना सकते हैं, या फिर लोकसभा मोशन लेकर आएगा फिर दूसरा हाउस उसे सपोर्ट करेगा, तो क्या होगा, मोशन इज अडॉप्टेड बाय वन हाउस सपोर्टेड बाय अनदर हाउस, ठीक है, या फिर दोनों जो प्रिसाइडिंग चीफ्स होते हैं वो एक दूसरे से बात करके से बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं WTO पैनल को लेकर डिस्कशन किया था, तो WTO के अंदर डी मिनिमिस कितना है, बताइए कितना परसेंटेज है डी मिनिमिस का, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डी मिनिमिस, जब हम कहते हैं कि आपका जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो वायलेट नहीं होगा वहां तक अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आपको आपका डी मिनिमिस कितना है, सी सेट की बात करी जाए, सी सेट में आपका डी मिनिमिस है 33% या फिर 67 मार्क्स या फिर 1/3, इतना स्कोर ले आएंगे ना तो आपको पास समझा जाएगा, लेकिन हाँ इससे कम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम एग्जाम के रिजल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसी तरीके से डी मिनिमिस कितना है 10% तक कोई दिक्कत नहीं है, रविंद्र का आंसर, श्रवण का आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये चीज डिस्कस करी थी हमने, कौन कौन सी कंट्रीज हैं याद करिए उनके नाम, बैग ने हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन करी है, BAG, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है बताएं इंडिया गोतेमाला के रिलेशन कैसे है, अब वहां पर कोई पॉइंट ही याद नहीं आएगा, ठीक है, तो वहां पर आप इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में भी आप बता सकते हैं, हालांकि रिलेशन अच्छे हैं लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया ने हमारी कंप्लेन करी इस एरिया के अंदर, बट वी आर टॉकिंग टू देम एंड ट्राइंग टू रिजोल्व द इशू, ठीक है। पॉजिटिव नोट पे अपने आंसर को
कंक्लूड करिएगा। वही चीज आप ब्राजील के साथ भी कर सकते हैं। तो ये इशू तीनों में से किसी भी कंट्री के ऊपर मेंस में रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंटरनेशनल रिलेशन से, तो आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है जल्दी से बताएं मुझे, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन कहां पे होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन कहां पर होता है वो बताइए। साथ ही साथ कौन सा अग्रीमेंट था, कौन सी ट्रीटी थी जिससे WTO आया था वो भी बताइएगा। ये कुछ चार पांच चीजें मेंस के लिए, सॉरी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस लिखा है भरत ने, बिल्कुल करेक्ट है। ब्राजील नंबर वन पे है रविंद्र कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। UPMHK भरत आपका आंसर करेक्ट है। अनुराग इज राइट, जायदा शिखा बोथा करेक्ट। ठीक है चलिए, यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस करी हमने और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था वो भी हमने यहाँ पर देखा। और फिर मैंने आपसे पूछा था हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी याद रखिएगा। कई बार इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है चलिए आते हैं अभी अपने प्रीलिम्स के मिनी मॉक टेस्ट के ऊपर। ये 10 टॉपिक्स हम आज देखने वाले हैं और मैं आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना आप स्कोर करेंगे यहाँ पे, 10 में से कितना स्कोर करने वाले हैं। 6 यहाँ पर कट ऑफ रहेगा, लेट मी राइट इट डाउन। एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क मिलेगा, फॉर एवरी इनकरेक्ट 0, एंड फॉर एवरी मिस रीडिंग अगर आप गलत तरीके से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करते हैं तो -2 रहेगा। ये इसमें स्कोरिंग रहेगी 6/10, मतलब 6 आपको स्कोर करना ही करना है टू बी इन द सेफ जोन। बताएं 10 सेकंड का टाइम मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सोनू कह रहे हैं 8+, रविंदर कह रहे हैं 7, भारत 10 कह रहे हैं, जायदा 7+ कह रहे हैं, नवनीत 7 कह रहे हैं, आबिद 9, अनुराग 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबली द मोस्ट इजिएस्ट वन जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा था। जया जेटली कमीशन ये किस एरिया से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये कमीशन क्या फार्मर्स को लेकर बनाई गई है, ट्राइबल को लेकर, स्टार्टअप, या फिर नन ऑफ द अबव। अभी रिसेंटली जो ये कमीशन न्यूज में थी ये किस टॉपिक के ऊपर थी बताइए इन चारों में से। बताएं अभी एक टॉपिक हमने बहुत ज्यादा देखा था यहां पर, शरजत ने डी लिखा है, लेकिन हाँ जो लोग डी आंसर करें मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि नन ऑफ द अबव आप कह रहे हैं, ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन हाँ साथ साथ ये भी बता दीजिए एक्चुअल में आंसर क्या होगा। अगर आपको याद हो मैरिज एज को लेकर पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज एज जो है वो भी 21 करी गई है विजावी जो आपके मेल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर मैरिज एज जो है उसको इंक्रीज किया गया है जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए और वही चीज हमने यहां पर डिस्कस करी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ जया जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशन को लेकर बताने कि इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। क्या उन्होंने कहा कि एज 18 से 21 कर देनी चाहिए, मे बी। उन्होंने क्या कहा कि हमें स्कूल और कॉलेजेस का एक्सेस गर्ल्स को देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग भी लड़कियों को देनी चाहिए। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, बताइए क्या आंसर होगा। अपने आप आंसर अपियर करेगा फिर यहां पर। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही करेक्ट हो जाती है क्योंकि ये तो हमने पीछे ही देख लिया और लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था, वेरी वेरी इजी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें बाकी दोनों को लेकर आपको बताना था और यहाँ पे सोनू और राजेंद्र का आंसर मुझे करेक्ट भी दिखाई दे रहा है। दोनों में करेक्ट आंसर क्या होगा, यस यहाँ पे तीनों चीजों को लेकर रिकमेंडेशन जो थी वो यहाँ पर जया जेटली कमेटी जो है उनके द्वारा दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड विच अदर कंट्री ने एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया है ताकि डिजिटल मीडिया की फील्ड के अंदर कोलैबोरेट किया जा सके। अभी अभी ये किया है, अभी अभी न्यूज में था। तो क्या कौन सी कंट्री हो, वियतनाम के साथ किया, कंबोडिया, म्यांमार या फिर साउथ कोरिया के साथ। 10 सेकंड का टाइम है। लेटर ऑफ इंटेंट ताकि डिजिटल मीडिया के एरिया के अंदर स्ट्रेंथन करी जा सके पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के बीच में और यहां पर कोलैबोरेशन किया जा सके। थर्ड का आंसर अनीशा ने ए दिया है, सोनू और अनुराग ने भी ए दिया है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो। वियतनाम के साथ इसे साइन किया गया है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि प्रिविलेज मोशन को लेकर पूछ रहा है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। स्पीकर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी जब भी प्रिविलेज मोशन की बात करी जाती है राज्यसभा के अंदर। स्पीकर जो है वो इस प्रिविलेज मोशन का जो एरिया है, जो इशू है, उसे कमेटी को भी रेफर कर सकता है। राज्यसभा के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन हेड्स द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस जिसके अंदर 10 मेंबर होते हैं।
यहां पर 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए अभी हुआ क्या है। 10 राज्यसभा के ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, जो हमारे पुराने सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके अगेंस्ट में, कि उन्होंने एक चीज के ऊपर बात करी थी। वो चीज क्या थी कि यहां पर पार्लियामेंट के अंदर कितने घंटे काम होता है इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को संज्ञान में लेते हुए 10 राज्यसभा के जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि ये प्रिविलेज मोशन जो है हम मूव करेंगे, ठीक है। पहली सेगमेंट की बात करें, वैसे आप लोगों ने यहां पे आंसर में तो सी लिखा है, और वैसे मुझे सी के अलावा कोई और आंसर दिख भी नहीं रहा, विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पीकर इज द फर्स्ट लेवल। यस, स्पीकर पहले लेवल होते हैं स्क्रूटनी के, जब हम प्रिविलेज मोशन की बात करते हैं। लेकिन आगे अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर क्या स्पीकर होते हैं? नहीं, राज्यसभा के अंदर आपके कौन होते हैं? चेयरपर्सन, जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट होती है वो इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, स्पीकर कैन रेफर इट टू द कमेटी, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ, राज्यसभा के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो हेड करते हैं कमेटी को, वो भी करेक्ट हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जो कि आपसे एक लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। वो है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है? केरला के अंदर, तेलंगाना, तमिलनाडु, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड का टाइम है। ये न्यूज में थी क्योंकि ये जो बर्ड सेंचुरी है, कहा गया था कि इसके एरिया को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ये कह रहा था हम इसके एरिया को रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के पीछे रीजन क्या बताया जा रहा था कि कमर्शियल यूज करेंगे हम इस एरिया का। लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो था तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसको यहां पर हटा लिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि हम इसका साइज 40% तक रिड्यूस करके इसका कमर्शियल यूज करेंगे, लेकिन अभी उस चीज को रोल बैक किया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में थी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे मुझे यहां पे श्रवण, नवनीत का आंसर, जायदा का आंसर, रिया, सोनू, अबित का आंसर करेक्ट दिखाई दे रहा है, राहुल सिंह भी करेक्ट हो जाते हैं। लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, दिस इज द लोकेशन, ये आपका तमिलनाडु वाला रीजन है। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी ये दिखाई देगी, ऊपर आपको जो अन्ना जूलॉजिकल पार्क है वो भी दिखाई देगा, एंड गुंडी नेशनल पार्क भी दिखाई देगा, नीचे क्रोकोडाइल बैंक आपका बना हुआ है, ये कांचीपुरम वाली लोकेशन के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और भी अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले exam.netmoc.com है, यहाँ पर आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं डे वाइज तैयारी करने के लिए। क्या इसमें स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर होता है? यस, स्टैटिक इज कवर्ड। डे वाइज तैयारी होती है इसके अंदर, ताकि शेड्यूल बनाने की चिंता आपको ना करनी पड़े। एट द सेम टाइम यहां पर आपको लाइव क्लासेस जो है वो भी मिल जाती है। आप में से कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर दो प्रोग्राम है, 200 डेज और मिशन यूपीएससी 2022, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दिस ओनली कि अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है, देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जीरो से आपको गाइडेंस के साथ शुरुआत करनी है बिल्कुल, तो यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। और इसी तरीके से अगर 2023 में एग्जाम देना है, सो 2023 कोर्सेज ऑल्सो देयर। चलिए इसको आप exam.netmoc.com पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछ रहा है PRLIS को लेकर, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये 5 स्टेज का लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या? हो सकता है। ये ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को भी पूरा करेगा क्या? ये भी हो सकता है। प्रोजेक्ट जो है प्रपोज कर रहा है कि ये 2 TMC पर डे वाटर जो उसको लिफ्ट करेगा 60 दिनों तक ड्यूरिंग फ्लड सीजन, और वो भी कहां से? कृष्णा रिवर के पास से। नाउ 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने वॉर्न किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि जो आपका पलामरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इसको लेकर कंप्लेंट्स आई हैं। बताइए, जयराज गुरु ने 5th का आंसर किया है, बी, बाकी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 6th का आंसर। श्री प्रकाश, भरत डी कह रहे हैं, अनुराग भी और रविंद्र भी डी कह रहे हैं। और यहां पर अगर हम PRLIS इसकी फुल फॉर्म अगर पता है तो प्लीज जरूर बताइएगा। वैसे तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए भी बता दी है, पलामरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी, और यहाँ पे प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये 5 स्टेज का प्रोजेक्ट है, और ये पीने के पानी की नीड को देखिए, बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा जब हम किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, और आजकल देखेंगे सिटीज के आसपास जो है पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होती है, और ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि उन सिटीज के अंदर पीने के पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कराई जा सके। जैसे चेन्नई भी पीछे काफी न्यूज में था और केरला के साथ झगड़ा भी चल रहा था इस चीज को लेकर। ड्रिंकिंग वाटर नीड्स पूरी होगी, और रिवर का जो नाम दिया है वो भी यहां पर करेक्ट दिया। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू एन, क्योंकि हमने एनजीटी के बारे में बात करी ना कि एनजीटी को यहां पर एनजीटी ने वॉर्न किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, तो उसको लेकर भी डिस्कशन करते हैं। एनजीटी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर बताइए करेक्ट क्या है। एनजीटी के 5 प्रिंसिपल बेंच है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये सिविल केसेस जो है
उसके साथ डील करती है अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1986, हो सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो भी इसकी एम्बिट के अंदर आता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में। एनजीटी सिविल केसेस के साथ डील करती है क्या? यस, ये डील करती है, लेकिन कितने लॉज हैं ये भी बताइएगा, क्या आंसर होगा? न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल करेक्ट है, अनीशा ने सी आंसर किया है। ओके, डू यू थिंक आंसर इज कमिंग लिटिल बिट अर्लियर? इफ यू थिंक कि आंसर थोड़ा जल्दी आ रहा है, आपको सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, प्लीज बताइएगा, जो टाइम है उसे इंक्रीज कर देंगे। वैसे सेवन का आंसर बी भी आ गया है मेरे पास। एनजीटी के पांच प्रिंसिपल बेंच है, बिल्कुल ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली लिख दिया वो भी करेक्ट है, लेकिन पांच प्रिंसिपल बेंच है कहां पर ये जरूर बताइएगा। नाउ पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है, क्या ये सिविल केसेस को डील करती है? यस, ये देखिए एनजीटी जो है ना, सात लॉज ऐसे हैं, जैसे कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, वाटर सेस एक्ट वो भी इसके अंदर आता है, फॉरेस्ट एक्ट वो भी इसके अंतर्गत आता है, एयर पॉल्यूशन एक्ट वो भी इसके अंतर्गत आता है, एनवायरमेंट एक्ट 1986 का वो भी इसके अंतर्गत आता है, और ये आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वो भी, और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट वो भी इसके अंतर्गत आता है, ये सात एक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर राइट्स एक्ट 2006 वो इसकी एम्बिट के अंदर, वो इसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ओके, 10 सेकंड्स कम है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, चलिए ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इसका। नेक्स्ट टाइम से जो टाइम पीरियड उसको और अच्छे से मैनेज करेंगे। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स कृष्णा रिवर बेसिन एक्सटेंड्स टू, क्योंकि अपने जो हमने लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करी वहां पर हमने इसी रिवर को लेकर बात करी थी, आपको बताना है ये कहां पर एक्सटेंड करती है, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, क्या ये इसकी जो बेसिन है कृष्णा रिवर की जो बेसिन है वो आंध्र प्रदेश में एक्सटेंड करती है क्या, मे बी महाराष्ट्र में करती है क्या, कर्नाटका एंड केरला। अब मैं आपका टाइम शुरू करूंगा थोड़ा सा डिले करके, ताकि आपको पूरा सोचने का मौका मिले आंसर देखने से पहले। बताइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है मेरे पास, ए राजेंद्र, अनुराग, गोविंदर, रविंदर, शिव, प्रतीक्षा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये तीनों इसमें शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए, सो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा वाला रीजन भी आपका इसके अंदर शामिल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, पूछ रहा है सुपर साइक्लोन को लेकर या फिर डेवलपमेंट ऑफ सुपर साइक्लोन को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दिस क्वेश्चन इज मेड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, आज एक सुपर साइक्लोन न्यूज में था, अगर आपको उसका नाम पता है बताइए। हिंट के तौर पे बताता हूं, फिलीपींस के अंदर लैंडस्लाइड्स करने का काम उसके द्वारा किया गया है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मीनवाइल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो होते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ सुपर साइक्लोन, ये टेम्परेट साइक्लोन होते हैं मे बी, इनको कैटेगरी 6 साइक्लोन कहा जाता है, ये भी हो सकता है, लार्ज सी सरफेस जहां पे टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है वहां पर ये डेवलप होते हैं। सोचिए इसके बारे में, आई एम नॉट स्टार्टिंग द टाइम। बहुत बढ़िया, शमन ने बहुत अच्छा आंसर किया, फैंटास्टिक, राई इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं मैं, ताकि आप यहां पे आंसर कर पाए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। ओके, उससे पहले ही खत्म हो गया है। चलिए, सुपर साइक्लोन आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, दे आर नॉट द टेम्परेट साइक्लोन्स, ध्यान रखिएगा, टेम्परेट में उतने खतरनाक साइक्लोन्स आपके नहीं बनते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है, और ये कैटेगरी 5 इनको कहा जाता है साइक्लोन्स, जहां पर विंड स्पीड जो है 220 kmph, माइल्स के अंदर लिखूं तो 137 माइल्स पर आर को भी क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट, तो बचा हुआ तो सी अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपका ये ट्रॉपिकल एरिया होता है, देखिए तभी मैंने कहा दीज आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये आपका 23.5 नॉर्थ में, 23.5 साउथ में, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है इन दोनों के बीच का, यहां पर आपके क्या बनते हैं, यहां पर आपके इस तरीके के साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री रहता है, तो इनको बनने में आसानी मिलती है, कोरियोलिस फोर्स इनफ रहती है यहां पर ताकि ये साइक्लोन डेवलप हो पाए, ठीक है। तो ये कुछ इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, यहां पर स्मॉल वेरिएशन, वर्टिकल विंड स्पीड जो होती है उसमें वेरिएशन भी काफी कम होता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी के एरिया है, दैट्स व्हाई हम उतना डीप में जाके नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी जिसने कवर करी है वो इस चीज को समझ रहे होंगे, ये कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं आपके इस तरीके के साइक्लोन्स के बनने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहां पर मैप में भी चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने आपको
जो अलग अलग जगह पे क्या कहा जाता है, कहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, कहाँ पे टाइफून्स आते हैं, कहाँ पे हरिकेन्स आते हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी होते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एनटीसीए के डेटा अभी निकला है और एनटीसीए के डेटा ने कहा है कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पर टाइगर डेथ्स जो है बढ़ती जा रही है, और ये डेटा के हिसाब से कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर डेथ हुई है वो आपको बताना है। सोच के आंसर करिए, मैं टाइम नहीं स्टार्ट कर रहा हूं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो डेथ हुई है वो संख्या है 40 2021 के अंदर, इसी साल के अंदर एनटीसीए का डेटा है। नंबर जो है किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा है वो आपको बताना है। 2020-21 की बात करें तो यहां पे 202 डेथ्स देखने को मिली है, एंड करेक्ट आंसर में मेरे पास बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, रुचिता सी कह रहे हैं, बक्सा वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, ओके, सुंदरबन एरियाज बी आ रहा है। आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा टाइम, सोचिए इसके बारे में, जल्दी मत करिए। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टाइगर फर्टेलिटीज 2020-21 की बात करें, नंबर है 202, ठीक है। अदरवाइज बात करें तो यहां पर सिर्फ कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है बताइए, कान्हा कहां पर है, कान्हा नेशनल पार्क इन द स्टेट, यहां पर ही सिर्फ कान्हा, कान्हा के अंदर ही 43 डेथ्स जो है वो देखने को मिली है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट, यस एमपी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। काफी कम लोगों का करेक्ट हुआ, बट कोई बात नहीं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन था आपका, गलती हो जाती है इस तरीके की। नाउ मैं आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो भी देने वाला हूं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे वो भी देने वाला हूं, और फिर हम अपने टॉपर्स को देखेंगे कि आज टॉपर पोजीशन पे कौन है। अभी मार्क्स मत लिखिएगा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से मुझे बताएं जया जेटली कमेटी जो है किसके लिए बनाई गई थी, एक्टिव रिविजन रहेगी तो यहां पर आप लोगों को आंसर करना है। तो ये बनाई गई थी, बताइए, लीगल एज के लिए, विमेन की लीगल एज के लिए कमेटी जो है बनाई गई थी। रिकमेंडेशन के अंदर सिर्फ लीगल एज की बात करी गई है, कुछ और चीजों की भी बात करी गई है बताइए। तो यहां पर सिर्फ एज की ही नहीं, एज के अलावा स्किल, बिजनेस, ट्रेनिंग, इंक्रीजिंग द एक्सेस टू स्कूल एंड कॉलेजेस, इसकी बात भी करी गई है, ध्यान रखिएगा इस कमेटी के द्वारा। नाम याद रखिएगा, जो जो चीजों की बात करी गई वो ध्यान रखिएगा। मेंस में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर भी इस चीज को लिखिएगा। देन हमने यहां से आगे बढ़ते हुए देखा, हमने लेटर ऑफ इंटेंट डिजिटल मीडिया के अंदर कोलैबोरेशन को लेकर किसके साथ साइन किया बताइए, यस इट इज साइंड विद वियतनाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे शिव भारत कुमारी शिखा रविंद्र का आंसर करेक्ट है। देन यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा प्रिविलेज मोशन को लेकर, प्रिविलेज मोशन कौन लेकर आता है, देखिए स्पीकर आपकी लोकसभा में राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं जो कि फर्स्ट लेवल स्क्रूटनी करते हैं और अपनी स्क्रूटनी के बाद वो कमेटी को ये रेफर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज थी इसको लेकर, तभी हमने इसको लेकर डिस्कशन किया और एक एमसीक्यू डिस्कस किया। देन हमने देखा वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है, सो इट इज लोकेटेड इन वेयर, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। अभी एक जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था इसको 40% तक कम करने का कमर्शियल यूज के लिए, उसको वापस लिया गया है, वो हमने यहां पर देखा था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 पीएलआई इसके बारे में देखा, इससे क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स पूरी करी जाएगी, इरिगेशन प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर रिजर्वायर को लेकर, ध्यान रखिएगा। फिर यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमने देखा एनजीटी, एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां पर है, एनजीटी के बेंचेस कहां पर है वो आपको बताना है। 7 एक्ट्स जो इसके अंतर्गत आते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, जो 2 एक्ट्स इसके अंदर नहीं आते वो एक्सेप्शन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हुए कृष्णा रिवर बेसिन कौन कौन से राज्य से जाती है बताइए जल्दी से, कृष्णा बेसिन कौन कौन से राज्य से जाती है, यस आंध्रा महाराष्ट्र कर्नाटका ये तीनों आते हैं, केरला आता है क्या, नो केरला इज नो मोर देयर, ठीक है। यहाँ पे आबिद सौम्या का आंसर करेक्ट है, देन जायदा किरण का आंसर माधवी का आंसर भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैप के ऊपर भी देख लीजिए, देन सुपर साइक्लोन की कंडीशनैलिटीज को लेकर बात करी थी, ट्रॉपिकल साइक्लोन है कैटेगरी 5 का है और जो कंडीशंस चाहिए होती हैं इसको बनाने के लिए वो भी हमने यहाँ पर देखी थी, और अलग अलग लोकेशन पे क्या कहा जाता है वो भी देखा था। फाइनली टाइगर डेथ्स आप बता दीजिए, सबसे ज्यादा टाइगर डेथ्स कहाँ पर हुई है और कौन से नेशनल पार्क में हुई है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, एमपी एंड कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, एमपी एंड कान्हा नेशनल पार्क, प्रतीक्षा ने करेक्ट आंसर किया है। चलिए यहां से आगे चलते हुए डी मिनिमिस की परसेंटेज क्या है, यहां पे आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। इसकी परसेंटेज वैसे तो अभी तक रट चुकी होगी आपको, बट फिर भी
ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इजी है मुझे पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में प्रेशर में मुश्किल हो सकती है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए देन सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मुझे जो समझ में आपकी कॉपीज चेक करके कि हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे। पहले क्या था कि मैं आपको बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दे रहा था, और वहां पर उसको पहले समझने में ही दिक्कत होती थी, लिखना तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत से लोग पहले ही हार मान जाते थे कि सर हम बाद में लिखना शुरू करेंगे, अभी हमारी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो आई एम गिविंग वेरी सिंपल टाइप क्वेश्चन, जैसे मैंने खुद लिखने शुरू किए थे। तो व्हाट इज ऑपरेशन विजय, ये दिमाग में रख के चलिए कि ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, ये कॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। आप तो लिख लेंगे, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको यूपीएससी लेवल लिखना है, क्योंकि वो सोचेंगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले ही डर जाएंगे। तो आप यहां पर सोचिए कि 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन विजय के ऊपर 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट जरूर लिखिएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे ही डेवलप होगी, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए इस लेवल तक जाना है तो 1 बाय 1 ही स्टेयर्स चढ़ेंगे ना। ठीक है, तो अगर आप पहले लेवल पे, तो फिर आपको शुरू के अंदर इजी इजी क्वेश्चंस जो वो लिखने पड़ेंगे। धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं exam.netmoc.com के ऊपर, वो भी आप सोल्व कर पाएंगे, और फिर जो एग्जाम में आपके आते हैं यूपीएससी के अंदर, वो क्वेश्चन भी सोल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ जल्दी से मुझे बताएं आपका स्कोर कितना है, फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टॉपर कौन है आज के, बताइए जल्दी से। भरत ने 9 का स्कोर किया, गुड स्कोर। रिया का 8 का स्कोर है, रविंदर 8 पे है, शमन 7 पे है, किरण, सौम्या 2 टॉपर मिल चुके हैं। ठीक है, भरत का भी 9 है। एट का स्कोर है अबिद, जैदा, सुमित 6 पे है। ठीक है, सोनू का भी हाईएस्ट स्कोर है, जिसका नाम रह जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। तो ओवरऑल स्कोर अच्छा है, जिनका 6 या 6 से कम है तो उसको दोबारा से रिवाइज करिएगा, जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं पहली बात तो वो, और साथ ही साथ जब आप सेकंड टाइम देखते हैं अपने नोट्स जो है वो जरूर बना लीजिएगा। अनुराग, शिखा 8 का स्कोर है, शिवप्रकाश 8 पर है। चलिए, तो यहाँ पर exam.netmoc.com पर जाकर कोर्सेज को चेकआउट कर लीजिएगा, और हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी देखते हैं अपने नोट जरूर बना लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जब एग्जाम होंगे तब मैं दोबारा से वीडियो देख लूंगा, तब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा उन दिनों के अंदर। तो जो भी तैयारी करनी है अपनी पहले से करके रखिएगा, ताकि जब वो आखिरी दिन सामने आते हैं तब आपको वीडियो देखना ही ना पड़े, उसमें टाइम लगाना ही ना पड़े, पहले से आपके नोट्स रेडी हो, जिसको आप 5 मिनट में 10 मिनट में रिवाइज करके वो पूरी चीज कंप्लीट कर लें, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग कि आप 30 मिनट का, 1 घंटे का वीडियो, इवन 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी। उसके लिए अपने नोट्स बनाएं, उसे बीच बीच में रिवाइज करें, वो एंड में आपकी 2 मिनट 5 मिनट के अंदर पूरी रिविजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए लेक्चर को यही वाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।